एक तूफान। सब लोग मिलकर जोर लगाओ, जोर लगाओ। मदद करो, सब लोग मदद करो। इसकी हिम्मत कैसे हुई कि नेपल्स के राजा को आदेश दे? पर पिताजी, हमें जान बचाने के लिए करना होगा। जोर लगाओ, जोर लगाओ। पिताजी, आपने ये किया? मैंने इस बात का ध्यान रखा है कि किसी को चोट नहीं पहुंचेगी। पर ये गलत है पिताजी। तुम्हें ऐसा नहीं लगेगा जब तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारे पिता से क्या हुआ था, वो भी उन लोगों द्वारा जो उस जहाज पर हैं। मतलब? तुम्हें लगता है तुम और मैं हमेशा से जंगल में रह रहे हैं मिरांडा? नहीं, 12 साल पहले मैं मिलान का राजा था। मेरे भाई एंटोनियो ने अलोंसो से मदद ली, जो मिलान का राजा था, और मुझे धोखा दिया। मिलकर उन्होंने हमें उस खतरनाक समुद्र में भेज दिया। सिर्फ मेरे वफादार गांजालों ने हमारी मदद की, खाना और किताबें देकर, जिससे हम जिंदा रहे। हमारी किस्मत अच्छी थी कि हम इस आइलैंड पर आ गए, वरना हम नहीं बचते। आप एक राजा थे? मुझे लगा आप एक जादूगर हैं। जो किताब गांजालों ने दिया और इस आइलैंड के जादू से मैं एक जादूगर बन गया। अब मैं उन्हें बताऊंगा कि एक जादूगर के साथ खिलवाड़ करने से क्या होता है। एरियल, मैंने तूफान फेंक दिया है मालिक। अब उन्हें उसकी सजा मिलेगी जो उन्होंने मेरे साथ किया। फिर आप मुझे आजाद कर दोगे ना मालिक? मैंने तुम्हें आजाद करने का वादा किया था और मैं उसे पूरा करूंगा, पर उससे पहले तुम्हें मेरा और भी काम करना होगा। आओ। पिताजी, मेरी बात सुनिए। और भी तेज हो रहा है। एरियल ने जहाज को ठीक से तोड़ दिया और इससे जो लोग जहाज में थे वो पानी में गिर गए। और फिर सुबह होते ही एरियल उन्हें आइलैंड के अलग अलग हिस्सों में ले गया। प्रॉस्पेरो ने खुद को गायब कर लिया। मेरा बेटा कहाँ है? फर्डिनेंड, फर्डिनेंड। अलोंसो, शायद वो आइलैंड के दूसरे हिस्से में चला गया होगा। हम उसकी तलाश करेंगे। मुझे नहीं लगता मेरे भाई के दिल में किसी के लिए भी हमदर्दी है। देखता हूँ कि ये आगे क्या करने वाला है। प्रॉस्पेरो ने अपना जादू चलाया और गांजालो और अलोंसो को सुला दिया। सेबेस्टियन, क्या हो अगर हम फर्डिनेंड को ढूंढ ही ना पाए? क्या, फिर क्या? रहने भी दो। मुझे पता है तुम हमेशा से नेपल्स का राजा बनना चाहते थे। लगता है तुम्हारा सपना सच होने वाला है दोस्त। कैसे? कैसा रहेगा अगर हम जहाज लेकर उन्हें यहीं छोड़कर चले जाएं? अकेले, वो भी आइलैंड पर जिसके बारे में किसी को पता नहीं। बढ़िया, तो चलो इन्हें बांध देते हैं। जागो, जागो! सेबेस्टियन भाई, हमने जंगली जानवरों को सुना, इसीलिए तुम्हें जगाने के लिए आए। ओह, शुक्रिया। आइलैंड के दूसरे भाग पर फर्डिनेंड बाकियों को ढूंढ रहा था। अरे पिताजी, मुझे बताइए ये किस तरह का जीव है? लगता है पहली नजर में ही वो तुम्हें पसंद आ गया है। वैसे मैं देखना चाहता हूँ कि वो कैसा है, उसके पिता की तरह घमंडी या धोखेबाज या एक अच्छा इंसान। तुम जाओ उससे बात करो। हमारे आइलैंड में आपका स्वागत है। मैं हेलो, हाय। नौजवान, मैं इसका पिता हूँ। आपसे मिलकर अच्छा लगा सर। हमारा नौकर कहीं चला गया है, मैं चाहता हूँ तुम हमारे लिए कुछ काम करो। पिताजी, थोड़ी लकड़ी काट कर लाओ। कल रात के तूफान के बाद तुम्हें काफी लकड़ियाँ मिलेंगी, और जल्दी करो। जरूर सर। आइलैंड के एक और किनारे पर विदूषक ट्रिंकिलो और नाविक स्टेफेनो कलावस नाम के एक अजीब जीव से मिले, जो प्रॉस्पेरो के दुखी और बेमन जीवों में से एक था। कौन? कौन है तुम? मैं इस आइलैंड का असली मालिक हूँ।
जो उस बदमाश प्रोस्पेरो ने मुझसे हड़प लिया और मुझे एक नौकर बना दिया। कौन? हमें बताओ, हम लोग महान राज्य नेपल से आए हैं। क्या तुम राजा हो? प्रोस्पेरो से पीछा छुड़ाने में मेरी मदद करो और फिर तुम इस आइलैंड के राजा बन सकते हो और मैं हमेशा के लिए तुम्हारा सेवक रहूंगा। सच में? स्टेफेनो, आइलैंडों का राजकुमार। मेरे साथ आओ, पहले हम उसका जादुई चोगा चुराएंगे, उसके जादू की किताब को जला देंगे और फिर तुम उसे कैद करके मुझे एक नौकर बनाने के लिए उसे अच्छा सबक सिखा सकते हो। देखो तो, इस दुनिया में कितनी नफरत और लालच भरी पड़ी है। आखिर इंसान कब सुधरेगा? माले, सभी लोग बीच पर आ गए हैं, जैसा आपने आदेश दिया था। फिर समय आ गया है। ओह, मेरा प्यारा फर्डिनेंड, समुद्र ने उसे निगल लिया। जिस तरह उसने प्रोस्पेरो और उसकी बेटी को निगल लिया था। हाँ? कौन है? क्या बात है? तुमने वो आवाज नहीं सुनी? नहीं, पर मेरे राजा, जो आवाज सिर्फ हम सुन सकते हैं, अक्सर वो हमारे विवेक की आवाज होती है। घबराइए मत महाराज, मुझे यकीन है आपका बेटा सलामत है। काश हम इस तरह यहाँ फंसे ना होते। ये वो इंसान कह रहा है जिसने अपने खुद के भाई को इस तरह फंसा दिया था। गंदा आदमी। कौन है? किसने कहा ये है? Hey, तुम मेरे कान में चिल्ला रहे हो। तुमने वो आवाज नहीं सुनी क्या? कैसी आवाज? तूफान ने तुम्हारे दिमाग को खराब कर दिया है। ये रहे प्रोस्पेरो की किताबें, इन्हें जला दो। आगे बढ़ो, उन्हें जला दो। कलाबस, तुम इसी के लायक हो। मेरे ही आइलैंड में तुमने मुझे एक नौकर बनाकर रखा है। जब हम यहाँ आए, मेरी बेटी और मैं भूखे और जख्मी थे। इस आइलैंड के मालिक होने के नाते क्या तुमने हमारी मदद की? वैसे तुम मुझसे इतनी नफरत करते हो कि मुझे चोट पहुँचाने के लिए तुम इसे आइलैंड का राजा बना रहे हो। तुम इसका नौकर बनना चाहते हो, पर मेरा नौकर बने रहना तुम्हें पसंद नहीं है। तुम्हारा दिमाग काम कर रहा है या नहीं? वैसे मुझे अफसोस है कि मेरे पिताजी तुमसे ये सब करवा रहे हैं। कोई बात नहीं, मुझे पता नहीं क्यों, पर जिस पल मैंने तुम्हें देखा, मुझे ऐसा लगा कि ये तूफान हमें मिलवाने के लिए आया है। मुझे भी ऐसा ही लगा। हम अभी अभी मिले हैं, पर लगता है जैसे सदियों से एक दूसरे को जानते हैं। और मैं तुम्हारे पिता से तुम्हारा हाथ मांगने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, अगर तुम भी मुझसे सहमत हो तो। तो मैं इसे हाँ समझूं? शुक्रिया। ये संगीत इतना सुहाना है, इतना पवित्र, फिर भी कुछ गलत है। क्यों गंजालो? जब चीजें जो हमें खुश करती हैं, वो नहीं कर पा रही हैं, तो जरूर हमारे दिल पर कोई बोझ है। हमने जो प्रोस्पेरो के साथ किया, उसके लिए तुमने हमें माफ नहीं किया ना? मुझे उस दिन की चिंता है जब तुम खुद को माफ नहीं कर सकोगे। ये क्या है? इतना अच्छा खाना, क्या बात है, ये बस ऐसे ही कहां से आ गया? और मैं इसे खाने वाला हूँ, बहुत भूख लगी है। ओ, ओ। अभी भी तुम लोगों को वो चाहिए जो तुम्हारा है ही नहीं। जिंदगी में जो हम देते हैं, हमें वही मिलता है। तुमने प्रोस्पेरो को धोखा दिया, उसकी बेटी के लिए कोई हमदर्दी नहीं दिखाई, तो जिंदगी तुम पर कोई रहम नहीं खाएगी दोस्त। जिस समुद्र में तुमने उन्हें मरने के लिए छोड़ा, उसी ने ये तूफान भेजा ताकि तुम्हें ये पता चले कि भूखा रहना, डरना और जिंदा रहना कितना मुश्किल है। समझे धोखेबाजों, तुम रहम के लायक नहीं हो नालायकों।
ये हमने क्या किया? क्या प्रोस्पेरो को भी वही सब झेलना पड़ा जो हमने झेला है, जो मेरे बेटे फर्डिनेंड ने झेला है? सत्ता की लालच में मैं इतना अंधा हो गया था कि मैंने सोचा भी नहीं कि मेरे भाई पर क्या बीती होगी। मुझे लगा मैंने उसे और उसकी बेटी को जिंदा छोड़कर उन पर एहसान किया है। कितना बुरा, कितना घिनौना इंसान बन चुका हूँ मैं। मेरे जादू का मकसद पूरा हुआ। काश मैं प्रोस्पेरो को एक बार देख सकता तो मैं उसके पैरों में गिर के उससे माफी मांग लेता। इसकी जरूरत नहीं है राजा, ये काफी है कि आपको अपनी गलती का एहसास है। भाई तुम जिंदा हो, घर चलो, मिलान का सिंहासन तुम्हारा इंतजार कर रहा है और जो मैंने किया उसके लिए मुझे सजा दो। हम सबको आजाद करने के लिए मैंने ये किया, चलो सब घर चलते हैं। फर्डिनेंड, मेरे फर्डिनेंड, तुम जिंदा हो। और इनकी शादी के लिए मैं सहमत हूँ, अगर आप भी हो तो। तुम्हारी बेटी मेरी बहू बनेगी, ये मेरे लिए गर्व की बात है। मालिक, जहाज तैयार है चलने के लिए। थैंक यू एरियल, अब तुम आजाद हो। मत जाओ प्रोस्पेरो, रुक जाओ। जिंदगी का नाम ही आगे बढ़ते रहना है। यह आइलैंड तुम्हारा था, है और हमेशा तुम्हारा ही रहेगा कलाबस। इसका ख्याल रखना। और इस तरह वो मिलान के लिए रवाना हुए। सभी के सभी समझदार अच्छे लोग। इस बात को याद रखना, तुम जैसा करते हो वैसा ही तुम्हें मिलता है। जैसी करनी वैसी भरनी।